तो चैप्टर नंबर 8 में प्यारे बच्चों आपने जो मेरी तरफ से गेस्ट हैं वो हैं एक्सरसाइज 8.2 में। इसमें बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल फार्मूला है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, एग्जांपल भी देख लीजिएगा। इसमें आपने स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है आपने, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 के जो क्वेश्चन है वो भी आपने अच्छे तरीके से देखने, और 7 को भी आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने लाजमी देखना है क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह इसमें से वो लाजमी शॉर्ट या लॉन्ग किसी भी सेक्शन में वो पूछ सकता है। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 8.3 को भी देख लें। इसमें जो फर्स्ट 16 क्वेश्चन है उसको भी आप अच्छे तरीके से पार्ट 1 से लेकर 6 तक अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इससे भी इसमें भी वो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पूछेगा। उसके बाद प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपने देखना है एक्सरसाइज 9.1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो वैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसको एमसीक्यूज़ के लिए लाजमी आप तैयार कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और 6 वाला, 7 और 8 यहाँ तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 की तरफ आएंगे। इसमें ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, इसमें से एक एमसीक्यू वो लाजमी पूछेगा, और क्वेश्चन नंबर 4 में ये लॉन्ग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग वो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 9.3 में इसका जो सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1, ये तकरीबन कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बस ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एंड देन 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा ये वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, तो एमसीक्यूज में ज़्यादातर इनको वो पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 5। 9.4 पूरी की पूरी एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए थोड़ा सा कैटेगराइज करके बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक ये शॉर्ट के लिए आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23 और उसके बाद 24, इसको आपने लॉन्ग के लिए ज़बरदस्त तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 10.1, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाला पार्ट, 2nd और 3rd और 4th भी, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, और इसके नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्ट के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ज़बरदस्त तरीके से तैयार करना है। फिर हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.2 की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। सो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर शॉर्ट, इसको शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 4 में भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है शॉर्ट के लिए। अच्छा, इसमें 1 से लेकर 4 तक तो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका सारे पार्ट। उसके बाद अगर हम बढ़ें आगे तो 7 वाला क्वेश्चन आप कीजिएगा लॉन्ग के लिए, 8 वाला भी, और 9 भी लॉन्ग के लिए है, और 10 भी लॉन्ग, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। 11 के बाद 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, और 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 ये शॉर्ट के लिए है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपको मेंशन कर दिए। इसके बाद प्यारे बच्चों एक्सरसाइज है 10.3, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के तकरीबन सारे पार्ट्स आप कीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आपने देखना है एक्सरसाइज 10.4 को, 10.4 में एक शॉर्ट आ जाता है, ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से, और देन आप लोगों के लिए देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं, इनको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 11.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट भी पूछेगा, ये लाजमी पूछना, उतने बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, पीरियड आपने फाइंड करना है हर फंक्शन का, ठीक है,
तो वो जिस तरह आपको पूछेगा आपने उस तरीके से आपने फंक्शन के हिसाब से पीरियड फाइंड करना है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज है आपके पास, जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सरसाइज 12.4 में साइन लॉ है, इसमें आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। साइन लॉ इसको भी, इसमें से भी एक क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। फिर एक्सरसाइज 12.5 में कोसाइन लॉ है, इसको भी आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। और 6 से लेकर 11 तक और 12 भी, ये टेंजेंट लॉ से क्वेश्चन होंगे, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने लॉन्ग के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो 12.6 के हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, 7, 8, 9 और 10, इसको बड़े ध्यान से और अच्छे तरीके से कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर लॉन्ग के लिए, ठीक है। फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.7 में देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये तीनों आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर हम 12.8 की बात करें तो ये पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये आपने अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों इसको प्रिपेयर करना है। आगे 13 चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला जो टेबल है, आपने फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करने वाला, ये वाला जो पेज है, इसमें एक MCQs आपको, एक या दो MCQs आपको लाजमी पूछेगा, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जिस तरह y इज इक्वल टू साइन एस की डोमेन क्या है, वो डोमेन भी मेंशन है और उसकी रेंज भी मेंशन है, आप इस पेज को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 13.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है, उसके ऊपर मैं आपको साथ मेंशन कर देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको आप लाजमी कीजिएगा, बिल्कुल भी ना छोड़िएगा उसको। एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से कोई एक पार्ट आपको वो लाजमी पूछेगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी, तीनों पार्ट इसके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक पार्ट आपको शॉर्ट में वो लाजमी पूछेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 13.2 में, इसमें लॉन्ग के लिए जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कीजिएगा, और इसके साथ साथ आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है और 9 भी करना है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 10, 11 और उसके बाद इस दफ़ा जो है वो 12 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। ये क्वेश्चन किसी सूरत आपने, ये सारे जो मैंने अभी बताए हैं 1 से लेकर 12 तक, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक ये जो क्वेश्चन है, 19 तक, ये शॉर्ट के लिए आपको इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे वो लाजमी पूछेगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 की जानिब। चैप्टर नंबर 14 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिए। इसके तीनों पार्ट बहुत, बल्कि चारों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इसमें से भी आ सकता है। फिर आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक, आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 से लेकर जो 9 तक है, ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर वाले क्वेश्चन है। तो ये था प्यारे बच्चों आपके फर्स्ट ईयर मैथ का गैस। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इसमें से आपको मोर देन 70% या 80% पेपर इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से वो आपको पूछेगा। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको दोनों जहान में कामयाब करें।